ओके, फ्रिक्शन के एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है, मास इसका एम है, तो वेट इसका कितना है, एम जी। एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम जी कॉस, एम जी साइन। यहाँ तक तो हम फोर्स तक में करते ही आए हैं। एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें कि यहाँ पर फ्रिक्शन है और क्वेश्चन में गिवन है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाई फोर। आपको क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक ही काइनेटिक, काइनेटिक स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, और काइनेटिक कहाँ ऐड करेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो काइनेटिक पीछे है। काइनेटिक का फॉर्मूला न्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये वाली फोर्स बड़ी और ये वाली फोर्स छोटी, तो नेट फोर्स बोलो एम जी साइन 30 माइनस मोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में कितनी गिवन है, जी बाई फोर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह जी बाई फोर, एम 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 सब कैंसल, साइन कॉस की वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू के। मैंने सॉल्व नहीं किया पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचने आपने, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दो ब्लॉक्स गिवन है, फ्रिक्शन भी गिवन है सरफेस में, एक ब्लॉक बड़ा एम है, एक ब्लॉक छोटा एम है, रस्सी है, रस्सी में टेंशन है, एक रस्सी एक टेंशन, तो टेंशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, टी एन टी, टी एन टी, टेंशन यूनिफॉर्म है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो देखो इसमें ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है पीछे है, पीछे है, और इसको कौन नीचे लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा। तो ये स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, ये ब्लॉक आगे आएगा तो इसकी फ्रिक्शन पीछे, इसकी फ्रिक्शन पीछे कितनी, एफ वन, एफ वन क्या होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर क्या होगा, एफ टू, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और यहां का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। क्या स्टेप क्लियर है? अब क्वेश्चन में वो ही कह रहा है आपको बड़ा और छोटे एम की रेशियो निकालनी है सच दैट सिस्टम इज एट रेस्ट। अरे आपको सिस्टम रेस्ट पे है तो फिर फ्रिक्शन ड्रॉ करने की जरूरत क्या है, वो तो पड़ा तो हुआ ही है तो फिर पड़े रहने दो, इक्वेशन क्यों बनाई? अगर फ्रिक्शन, अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है और अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये कैसे मूव करता नीचे, कौन, किसने रेस्ट पे लाके रखा हुआ इसे, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगानी पड़ेगी। तो हम ऐसे सोचेंगे इसकी टेंडेंसी कहाँ मूव करने की है, नीचे, तो फ्रिक्शन इसकी पीछे, इसकी टेंडेंसी यहाँ मूव करने की है तो फ्रिक्शन पीछे, पर क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो इसके आगे और पीछे की फोर्स एग्जैक्टली सेम, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू एफ वन। क्लियर है यहां तक? तो पहली क्वेश्चन टी इज इक्वल टू एफ वन, और एफ वन है क्या, म्यू टाइम्स इसका नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका, एम जी। इक्वेशन नंबर वन क्लियर। ये जो ब्लॉक है ये भी रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे है तो नीचे की फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा। ऑपोजिट फोर्स क्या है, दो दो है, एक टी है और एक F2 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg sin theta is t plus F2। तो स्टेप क्लियर है। अब टेंशन और F2 क्या है, mu times normal reaction, और inclined plane पे normal reaction क्या होता है, mg cos theta। तो आप टेंशन T यहां से उठा के यहां पुट कर देना, तो ये आपने पुट कर दी, इसके बाद मैथ स्टार्ट है, फिजिक्स खत्म है। तो क्या करना है इसके बाद, यहां से m और m की रेशियो निकाल ली है, बड़ा m और छोटे m की, एक काम करो दोनों साइड्स को छोटे m से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा और छोटे m की रेशियो निकालनी है। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये यहां से जी 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 कैंसिल, ये m और m, यहां से m और m ऐसे, तो m और m वाली जो टर्म्स हैं, m और m कॉमन, तो ये टर्म आ गई, और यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, म्यू। तो यहां से m और m की रेशियो कैन बी कैलकुलेट, ये आपका मैथ्स है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, तो यहां से सॉल्व करके m और m की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो कैसे इक्वेशंस बनेगी ये इंपॉर्टेंट है, और समझ में आ रहा है कैसे इक्वेशंस बनेंगी। जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है 70 केजी का, ग्राउंड पे पड़ा है, और ये मैन है, मैंने ब्लॉक ही बना दिया, पर अदरवाइज ये एक मैन है,
एक मैन है, तो एक मैन की का मास कितना है 60 kg और ब्लॉक कितने kg का है 70 kg। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या करना है आपको, ये बताना है कि ये मैन इस ब्लॉक को उठाना चाहता है लटक के। पहला क्वेश्चन, क्या बोलता है आपका मन, उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद कमज़ोर है यार, 60 किलो का तो खुदा उठाना वो 70 किलो चाहता है, राइट? पर अगर ये लटक जाए ना रस्सी के साथ, बस लटका हुआ है, तो कभी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि 70G और 60G नहीं उठा पाएगा। हमने फोर्थ चैप्टर में किया था कि अगर आप रस्सी को बहुत तेज एक्सलरेट करते हो, ऊपर चढ़ते हो, टेंशन बढ़ जाती है, और टेंशन बढ़ने से यहाँ की फोर्स बढ़ जाएगी, हो सकता है 70 kg हवा में उठ जाए। तो अगर ये रेस्ट पे पड़ा रहा मैन, फिर तो ना उठता, पर अगर ये एक्सलरेट करेगा, क्योंकि जितनी तेज एक्सलरेट करेगा टेंशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और टेंशन से ये ऊपर उठ जाएगा, तो ऐसे केस में ये हो सकता है उठ जाए। और उसको उठाना ही है सबसे बड़ी बात, उसने बोला 70 kg ब्लॉक को उठाना है, तो बोलो कितनी एक्सलेशन से वो एक्सलरेट करेगी 70 kg हवा में आ जाए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? अब रूल क्या कहता है, रस्सी में टेंशन है TNT, क्लियर है? इस ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था जब ये एक्सलेट नहीं कर रहा था, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, N, टेंशन तो T है ही है, और वेट इसका कितना है 70 kg। क्लियर है? ये मैन ऊपर एक्सलेट करे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स, यानी कि T - 60g = 60 × A। तो T - 60g = 60A। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? अब ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक की जो इक्वेशन है, जब वो रेस्ट पे पड़ा हुआ था, तो ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो ब्लॉक की इक्वेशन क्या थी, N प्लस एक और फोर्स है इसके ऊपर T, तो N प्लस T इज इक्वल टू कितना 70 kg। तो N और T का सम इक्वल टू 70 kg। क्लियर है? एक चीज याद कर लो और समझ लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर वो ये बोले कि किसी बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, उसी टाइम आपने उठा के नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर देना है, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड को वो छोड़ देगी, उसी टाइम ग्राउंड फोर्स लगाना बंद कर देगा, और ग्राउंड बॉडी पे कौन सी फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखना, जब एक बॉडी ग्राउंड का कॉन्टैक्ट छोड़ दी, और ऐसा नहीं है कॉन्टैक्ट छोड़ने का ऊपर उड़नी स्टार्ट हो गई, अगर वो हल्की सी उठ भी गई ना, तो हमारा क्वेश्चन सक्सेसफुल है, मैंने उठा दिया। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर उठा दिया, हल्का सा भी ऊपर उठ गया तो उठ गया, तो हल्का सा फॉर इंस्टेंट भी ऊपर उठा तो नॉर्मल रिएक्शन उठा के क्या कर देना है, जीरो। तो अगर आप कॉन्टैक्ट लूज करवाना चाहते हो तो N को क्या, जीरो, तो T क्या आएगा 70 kg। कोई डाउट इसमें? यानी कि अगर रस्सी में टेंशन 70 kg हो जाए तो ब्लॉक उठ जाएगा। अब ये बात मैन को बता दो ना, मैन अपनी इक्वेशन बना के बैठा है, तो मैन को समझ में आ गया, अच्छा टेंशन कितनी चाहिए 70 kg, उठा के 70 kg पुट कर दी उसने, सॉल्व करके क्या आ गई एक्सलेशन, तो अगर उसकी एक्सलेशन g/6 है तो टेंशन क्या हो जाएगी 70 kg और ब्लॉक उठ जाएगा। आंसर आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, आपने कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, ठीक है यहाँ तक? तो मैन को एक्सलरेट करवाना है, ब्लॉक का कॉन्टैक्ट लूज करवाना है, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम F4 से पुश कर रहे हैं, जैसे वो रोलर वाला क्वेश्चन था, हम इसे पुश कर रहे हैं बाय फोर्स ऑफ F, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल। तो ऐसे केस में क्या निकालना है, मुझे फोर्स F निकालनी है सच दैट ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। अगर ये वर्ड कहीं लिखा जाए, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, या ब्लॉक जस्ट एबल टू मूव, मतलब हल्का सा हिल गया, इसका मतलब एक्सलेशन नहीं लेनी, इट इज नॉट अ केस ऑफ एक्सलेटेड मोशन। तो इसका मतलब हिलने का मतलब हल्का सा, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो नो एक्सलेशन, एक्सलेशन जीरो। अगर वो हल्का सा हिल जाता है अपनी पोजीशन से तो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस माना जाता है, वो एक्सलेशन का केस नहीं माना जाता। तो आपने एक्सलेशन क्या लेनी है इसमें, जीरो, यानी कि बॉडी को हिलाना है विद तो कांस्टेंट वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो बाकी सारी बातें बाद में, पहले फोर्सेस को ड्रॉ कर लें। तो फोर्सेस के अंदर आप एक बार
इसमें देखें ये फोर्स एफ है, पुश वाले क्वेश्चन में फोर्स को यहाँ तक मत लेके आए, थोड़ा आगे तक ले आए, ये फोर्स एफ है, थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, एफ के दो कॉम्पोनेंट है एफ कॉस एफ साइन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है एन और वेट क्या है एम जी, और अगर बॉडी आगे मूव करती है तो फ्रिक्शन क्या है पीछे। आप एक काम करें इसमें इस क्वेश्चन में आप प्लीज डायग्राम अपने हाथ से एक बार ड्रॉ करें, ये ग्राउंड है ठीक है, ये ब्लॉक है ठीक, ये फोर्स एफ है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ये फोर्स क्या है ये एफ है और इसका मास एम है, तो प्लीज डायग्राम ड्रॉ करें इसकी फोर्सेस का अपने हाथ से एक बार कॉपी करें। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आपने इस फोर्स को आगे तक लेके जाना है ऐसे ऐसे तक लेके जाना है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, एफ के क्या ड्रॉ करने हैं कंपोनेंट्स, तो एफ के कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा क्या एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे बनेगा कितना एफ कॉस थीटा, इसका वेट कहाँ करेगा एम जी नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ ऐड करेगा ऊपर, क्या स्टेप क्लियर है, और बॉडी की टेंडेंसी आगे मूव करने की है तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी पीछे, क्लियर है ठीक है यहाँ तक। अब मेरा पहला क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए टोटल अपवर्ड फोर्स बोलो कितनी है, ऊपर की फोर्स है आर और डाउनवर्ड फोर्स कितनी है एफ कॉस थीटा भी है और साथ में कौन है एम जी भी है, क्या पॉइंट क्लियर है नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन क्या है एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, क्या स्टेप क्लियर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव या जस्ट स्टार्टेड, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या ली जाती है जीरो, हिलाना ही तो है हल्का सा, कौन सी फोर्स बॉडी को मेरी तरफ आगे लेके जा रही है एफ साइन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है आगे लेके जा रही है, कौन इसको अपोज कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये क्वेश्चन में बोलता कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो फिर मैं इक्वेशन पता है क्या बनाता, आगे की फोर्स एफ साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू, पर उसने कहा जस्ट एबल टू मूव तो एक्सेलरेशन क्या रहेंगे जीरो, तो क्या होगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, व्हेन अ बॉडी जस्ट एबल टू मूव तो नो एक्सेलरेशन का मतलब आगे और पीछे की फोर्स एकदम सेम, क्लियर है स्टेप ठीक है, तो आगे और पीछे को सेम कर देंगे, और यहां पर एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ की वैल्यू वो निकाली हुई है हमने म्यू टाइम्स कितना एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, क्या स्टेप क्लियर है कोई डाउट इसमें ठीक है यहाँ तक ठीक, ये किया हुआ है मैंने इसमें, अब चेक करो सब कुछ किया हुआ है, ये देखो सेम डायग्राम, जस्ट स्टार्ट्स का मतलब नो एक्सेलरेशन स्टार लगाया हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाल लिया था तो एफ साइन थीटा नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, ये भी स्टेप क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दी ये भी क्लियर है,
इसे ओपन कर लिया म्यू को, इससे और इससे मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। आपने क्या निकालना है, फोर्स। तो जहाँ एफ वाली टर्म्स आ रही हैं वो एक तरफ, एफ कॉमन, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो सॉल्व करके क्या निकाल लिया आपने, एफ निकाल लिया। पॉइंट क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का कुछ नहीं है इसमें। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ कितनी फोर्स हम अप्लाई करें कि बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, तो एफ की वैल्यू ये मार्क करना। ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शंस गिवन होंगी, बस आपको मार्क करना है, ठीक है यहाँ तक। इसका ही एक और पार्ट बनता है, इसका एक और पार्ट भी है, वो क्या कि अगर बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, जैसे मैं बता रहा हूँ, अ बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, जैसी बॉडी मूव करती है, तो उस केस में वो क्वेश्चन पूछेगा कि फिर टैन थीटा ग्रेटर देन वन बाई म्यू है फर्स्ट ऑप्शन, साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू है थर्ड ऑप्शन, टैन थीटा ग्रेटर देन म्यू है, ऐसी कोई कंडीशन देगा कि क्या कंडीशन रखूं कि बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव। मतलब पहला क्वेश्चन है कि फोर्स निकालो, वो तो आ गया आंसर, फोर्स मार्क कर देना। कभी कभी वो फोर्स ना पूछते हुए इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बॉडी जस्ट एबल टू मूव, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, टैन थीटा और म्यू में क्या रिलेशन होगा। तो आपने ऐसे करना है कि आपने फोर्स तो निकाल ली, आप चाहते हो कि बॉडी मूव करे, अगर बॉडी मूव करे तो एफ शुड बी पॉजिटिव, अगर बॉडी मूव करे तो फोर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। जीरो फोर्स तो चलेगी नहीं, नेगेटिव फोर्स पर नहीं चलेगी, फोर्स को पॉजिटिव होना है। अगर फोर्स को पॉजिटिव होना है तो पूरा डिनोमिनेटर भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जीरो तो तभी तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, और अगर डिनोमिनेटर साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से साइन ऑफ थीटा ग्रेटर देन न्यू कॉस थीटा, तो टेन ऑफ थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन न्यू। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये ऑप्शन आपने मार्क करना है। तो ऑप्शन निकलेगा फोर्स में से ही, तो फोर्स के अंदर से निकलेगा टेन थीटा ग्रेटर देन न्यू अगर होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगी, बॉडी मूव करेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आप बुक्स में से जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना और कैसे मार्क करना है, ठीक है यहाँ तक। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, एक ना बेल्ट है, एक बेल्ट पुली के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, बेल्ट घूमे जा रही है, और इस बेल्ट में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ब्लॉक और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। आपने क्या किया, ब्लॉक को मूविंग बेल्ट के ऊपर रख दिया, बेल्ट जा रही थी, आपने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक को रख दिया। अब वो कह रहे हैं जब आपने ब्लॉक को रखा, कुछ देर के बाद ब्लॉक इस बेल्ट की वेलोसिटी अटेन करते हुए उसके साथ चल पड़ा। तो आपको बताना है, और ऐसा कब हुआ, जब आपने ब्लॉक को रखा और जब ब्लॉक बेल्ट के साथ वी वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट हो गया, यानी बेल्ट और ब्लॉक की वेलोसिटी जब सेम हो गई, तो उस केस में 4 सेकंड लगे ऐसा होने में। तो आपको बेल्ट की वेलोसिटी बतानी है क्या है। ओके, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। आप एलांटे जाएं, वहाँ पर पूरी बेल्ट चल रही है ना फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो अगर तो आप उसकी स्पीड पे उसको पैर रखते हैं स्पीड पे जाके, फिर आपको झटका लगता नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करें, बेल्ट चल रही है, आप जंप करें ऐसे 90 डिग्री पे, आप 100% गिरेंगे। क्यों, इनर्शिया, बेल्ट आगे जा रही है, आप सीधा या कोई बॉक्स रख दें या आप खुद को रखें तो आपको झटका लगेगा, और हो सकता है 1 सेकंड लगे आपके पैर को थोड़ा स्टेबल करने में, पैरों पर जोर पड़ता है, आपने देखा होगा जब आप ऐसी स्लो स्पीड पे एक चलती हुई बेल्ट के ऊपर पैर रखते हैं। तो ब्लॉक के साथ भी ऐसा ही है, जैसी बेल्ट चल रही थी ब्लॉक तो रेस्ट पे था, ब्लॉक जैसी आपने उसके ऊपर रखा थोड़ा हिलेगा वो, और फिर कुछ देर के बाद वो बेल्ट की वेलोसिटी एक्वायर करेगा। क्यों, क्योंकि जब आपने ब्लॉक को रखा था तो ब्लॉक की वेलोसिटी तो जीरो थी, और उसने क्या अटेन करनी है, बेल्ट की वेलोसिटी। बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो ब्लॉक की सिचुएशन समझो, ब्लॉक जीरो पे आता है और v उसको वेलोसिटी देनी है, या v वेलोसिटी उसने अटेन करनी है, तो यानी कि ब्लॉक क्या करेगा, कुछ देर के लिए एक्सेलरेट। ब्लॉक की वेलोसिटी इनिशियली रखती क्या है, जीरो। ब्लॉक थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लेगा, 4 सेकंड, तो ब्लॉक तब तक क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा,
और कितनी कर लेगा वी, जितनी बेल्ट की वेलोसिटी है वी, और फिर दोनों इकट्ठे चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब यहाँ से यहाँ यू इज इक्वल टू जीरो से वी तक ब्लॉक आया तब वो एक्सेलरेट करेगा, तब तक वो एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बात अलग है। तो आपको ये बताना है कि वी की बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, अगर बेल्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो अगर मैं ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी निकाल दूं वही बेल्ट की वेलोसिटी बननी चाहिए। तो इस जर्नी के लिए आपको टाइम तो पता है 4 सेकंड, आप क्यों ना अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की क्या जीरो, टाइम की वैल्यू कितनी है इसमें 4, सिर्फ क्या निकालनी है आपको एक्सेलरेशन। अब ये बताओ अगर यहां पर फ्रिक्शन ना होती, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या सिचुएशन होती, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ब्लॉक को रख दिया फिर क्या होता, क्या ब्लॉक साथ साथ चलता तो भी चलता, नहीं चलता, ब्लॉक यहीं रह जाता और बेल्ट नीचे से खिसकती जाती, फ्रिक्शन नहीं है ना। कौन ब्लॉक को आगे लेके जा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो लांटे में वो लोहे के वो बना रखे हैं ना, आपने देखी होंगी, एस्केलेटर देखे होंगे, तो बहुत फ्रिक्शन जनरेट की होती है उसमें गैप्स दे देके, वो इसीलिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो नीचे से निकलता जाएगा और ऊपर ब्लॉक वहीं रह जाएगा। इसका मतलब कौन हेल्प कर रहा है ब्लॉक को आगे लेके जाने में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब ये ना कहें ब्लॉक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर होगी, ब्लॉक स्लाइड थोड़ी ना कर रहा है, घिसट थोड़ी ना रहा है जमीन पे, अगर मान लो स्लाइड करेगा फिर फ्रिक्शन पीछे है, यहां तो फ्रिक्शन उल्टा क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कि चल तेरे को साथ ले चलती हूं। तो फ्रिक्शन यहां से यहां आगे की तरफ एक्ट करेगी और ब्लॉक को आगे लेके जाएगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही एक्सेलरेशन जनरेट करवाएगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम्स एम जी, तो एम और एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, म्यू जी, म्यू पता है, जी पता है, एक्सेलरेशन आ गई। तो आपको ये पता लग गया कि फ्रिक्शन ने उस ब्लॉक को कितनी एक्सेलरेशन दी, कितनी एक्सेलरेशन दी, 2। तो आप उस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दें और वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। तो ये फाइनल वेलोसिटी आएगी ब्लॉक की, तो जो बेल्ट है उसकी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम होगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, चेन वाला प्रॉब्लम ने लास्ट टाइम किया हुआ था, चेन वाली प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, ऐसे बहुत आते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक वॉल है, ये दीवार है और ये मूवेबल है और एक ब्लॉक है। तो अगर मैं इस दीवार के आगे ब्लॉक को रख दूं ऐसी, तो ब्लॉक 100% नीचे गिरेगा ही गिरेगा। मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट टाइम भी हमने ऐसा सेम केस किया था ट्रॉली वाला, कि अगर मैं इस वॉल को बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करवाऊँ इधर, ठीक है, वॉल को एक्सेलरेट करवाऊँ, तो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ क्या लगेगी, सूडो फोर्स। तो इसका मास 2 है, एक्सेलरेशन ए है, तो 2a फोर्स बैकवर्ड लगेगी। क्या पॉइंट क्लियर है? तो अगर ये वॉल आगे जाएगी तो सूडो फोर्स पीछे लगेगी। तो अगर ये वॉल पे सूडो फोर्स 2a इधर लगा रहा है तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा, n। तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन 2g मत करना, क्योंकि ब्लॉक तो हवा में है, तो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ब्लॉक इस दीवार के कॉन्टैक्ट में है, तो क्योंकि ब्लॉक ने इसके ऊपर फोर्स लगाई 2a, तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या लगेगी इसमें, 2a। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन 2a, कौन ब्लॉक को नीचे गिरेगा, इसका वेट, कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, इसकी टेंडेंसी कहां गिरने की है, नीचे, पर फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, ऊपर। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके वेट से ग्रेटर या इक्वल टू है, एफ ऊपर की फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2g, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम तो इक्वल होनी चाहिए वेट के,
या उससे ज़्यादा हुई फिर तो और भी अच्छा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 2a, नॉर्मल रिएक्शन 2a, 2 से 2 कैंसल, तो a म्यू की वैल्यू आपके आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? म्यू निकाल लोगे यहाँ पर। और कभी कभी वो ये भी पूछ सकता है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई ए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, कम से कम वैल्यू क्या होगी? तो ये क्यों? मैंने सिखाया था कि मेरे मार्क्स मैथ्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो कम से कम कितने हैं? तो इक्वल टू लगाओगे तो मिनिमम का केस बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बोल ही रहा हूँ कि आपको ग्रेटर देन रखने हैं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, पर कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि चलो कम से कम यू क्या होगा फिर इक्वल टू में आंसर आएगा, ये कह रहा हूँ। वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू रखना चाहिए, वैसे तो ग्रेटर ही रखना चाहिए, ठीक, पर इक्वल टू में केस चलता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन में ना म्यू की वैल्यू हाफ गिवन कर लो, गिवन म्यू इज इक्वल टू हाफ गिवन कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि सपोज फिर से एक ब्लॉक है, इस बार ब्लॉक कोई वॉल को एक्सेलरेट नहीं करवा रहा, कोई सूडो फोर्स नहीं, इस बार मैं गया और मैंने इस ब्लॉक को इस दीवार के साथ ऐसे फोर्स लगा के रोका हुआ है, क्लियर है? मेरा पहला क्वेश्चन, मान लो दीवार और से रिमोट में या मेरे हाथ और रिमोट के बीच फ्रिक्शन जीरो है ही नहीं, तो गारंटेड है जितनी मर्जी फोर्स लगा दो, कई कई लोग कहेंगे मैं दबा के रखूंगा, तो रख ले दबा के भाई, हॉरिजॉन्टल रख ले, उसने कहाँ गिरना है? वर्टिकल, तो ऐसे नीचे गिर ही जाना है। बचाने वाला सिर्फ कौन है? फोर्स ऑफ, बस। गिरने वाला कौन है? वेट एमजी। हॉरिजॉन्टल फोर्स जितनी मर्जी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ में आ रहा है? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसे फोर्स लगा दूंगा बच जाएगा, हाँ बचेगा, लेकिन अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन ये है कि आपको फोर्स बताओ कि मैं कितनी फोर्स लगाऊं ब्लॉक के ऊपर ताकि नीचे ना गिरे, कौन नीचे गिरेगा? इसका वेट, क्योंकि आपने फोर्स इधर लगाई तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू क्या होगी? एफ। ऐसे केस में एन और एफ बराबर, और कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। अगर आप चाहते हैं कि नीचे ना गिरे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ इक्वल टू भी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वेट। क्लियर है यहाँ तक? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है यहाँ पर? एफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू बाई म्यू। अब म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? हाफ, तो 2 ऊपर चला गया, ये ऑब्जेक्टिव आंसर मार्क होगा, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2w। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सभी में एक जैसा कॉन्सेप्ट है इसमें, क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ब्लॉक है, कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता है क्या होती है? हमने जब फ्रिक्शन स्टार्ट किया था पहला लेक्चर, उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बताई थी। तो मैंने कैसे बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे है, ठीक है, और मैं इसे यहाँ मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहली कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ग्राउंड लगाएगी इसके ऊपर, और दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या थी? नॉर्मल रिएक्शन जो ये ग्राउंड लगाएगी इसके ऊपर। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी? इनका रिजल्टेंट। ये सीखा था हमने। इस बार ग्राउंड ऐसा नहीं है, ग्राउंड ऐसा है, मतलब कि वॉल ऐसी है, तो अब देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होगी। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या मानेंगे? जो दीवार ब्लॉक पे लगाएगी तो उसके कॉन्टैक्ट की फोर्स है। तो देखें, तो मैंने यहाँ पर कितने न्यूटन से इसको दबाया? 12 न्यूटन।
वेट इसका कितना है 5 न्यूटन, तो अगर मैंने 12 न्यूटन लगाई तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है बदले में 12 न्यूटन, कौन बचाएगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको म्यू कितना गिवन है 0.6, ये लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे बना दिया। वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्विवेलेंट ऑपोजिट होता है, पर अपने को तो ब्लॉक पे काम करना है, अपने को दीवार के ऊपर क्या काम है, दीवार में कौन सा मूव करना है, तो वैसे बना दिया लेकिन जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कौन बचाएगा फ्रिक्शन, या ऐसा बोल सकते हैं बचे ना बचे, दीवार इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगाएगी फ्रिक्शन, तो दीवार इसके ऊपर दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगी, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन, दो चीज़ें होती हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में, चाहे ग्राउंड पे बॉडी पड़ी हो, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, इसके अंदर भी सेम है नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ फ्रिक्शन क्या लें, कोई कहता है ऐसा करो F इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन कर दो, कर देते हैं, यहाँ पर म्यू कितना है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 12, तो F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 7.2। तो इस ब्लॉक को नीचे गिरने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए 7.2 न्यूटन, तब वो उसकी स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। पर गिरता कौन है बॉडी का वेट, अब वेट कितना लगा 5 न्यूटन, बॉडी को हिलाने के लिए कितनी न्यूटन फोर्स चाहिए 7.2, लेकिन बॉडी पे फोर्स लग कितनी रही है नीचे गिरने के लिए 5, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी काउंट होगी 5, क्योंकि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई रोल है ही नहीं, कौन सी फ्रिक्शन का रोल है स्टैटिक, पॉइंट समझ में आया। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, जितनी आपने फोर्स अप्लाई की वही क्या बन जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में ब्लॉक को हिलाने के लिए 7.2 चाहिए, आपकी अप्लाइड फोर्स 5 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 5 है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7.2 नहीं लेना, बहुत लोग 7.2 लेके काम कर देंगे, क्योंकि हिलाने के लिए फोर्स 5 न्यूटन चाहिए, सॉरी 7.2 चाहिए, आप फोर्स क्या लगा रहे हो 5, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5। तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स F 5 है, एक 12 है, तो नेट क्या होगा इनका रिजल्टेंट, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो 5 और 12 का रिजल्टेंट क्या आएगा 13, वो रिजल्टेंट 13 आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगी इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, 7.2 के साथ कैलकुलेशन कर देंगे लोग, देख लेना, 5 के साथ नहीं करेंगे, और वो पक्का देगा ऐसा ही क्वेश्चन 5 वाला, देख टेस्ट तो तभी करेगा ना। एक ट्रॉली है, ट्रॉली है, एक्सेलरेट कर रही है, इसके आगे क्या रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया M, बस ऐसे रखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कितनी एक्सेलरेशन से ट्रॉली मूव करे ताकि ब्लॉक नीचे ना गिरे, ऐसे कई क्वेश्चन कर लिए। तो जब ट्रॉली A एक्सेलरेशन A से आगे मूव करेगी तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगी ऑपोजिट सूडो फोर्स, कितनी लगेगी एम में, ब्लॉक कहाँ गिर रहा है नीचे, कौन बचाएगा फ्रिक्शन, तो अगर ये एम में है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है एम में, तो अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कब रहेगा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो रेस्ट पे रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या यहाँ पर एम में, एम से एम क्या हो गया कैंसल, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, पर आपको मिनिमम ए निकालना है तो ग्रेटर का साइन हटा के इक्वल टू लगा दो आंसर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन किया भी था हमने ट्रॉली वाला। F ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं फ्रिक्शन, बहुत रफ सरफेस से ये नहीं है कि मैं दीवार पे खड़ जाऊंगा तो मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा फ्रिक्शन जो खींच लेगी, नहीं फ्रिक्शन ऐसी नहीं है क्योंकि अप्लाइड फोर्स नहीं है ना, ये कुछ अलग चीज़ है, मतलब आप फ्रिक्शन बड़ी हो सकती है और आपकी फोर्स छोटी हो सकती है, जैसे आप एक बक्से को मूव करवाना चाहते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से 10 न्यूटन आ रही है पर आपने लगाई 1 न्यूटन, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपकी बॉडी अपने आप चलेगी फ्रिक्शन की वजह से, सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है यहाँ तक। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं, ए बी और दीवार है, ए और बी में कोई फेविकोल लगा नहीं हुआ, बस ऐसे टिका के रखे हुए हैं दो ब्लॉक्स,
सच दैट मैंने फोर्स एफ लगाई ए पे, काफ़ी तेज़ लगाई ताकि एफ फोर्स ए पे लगे, ए फर्दर फोर्स बी पे लगाए और बी दीवार पे लगाए और सब ऐसे ही रहे। यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख लें। रूल नंबर वन, इसका वेट 100 न्यूटन, इसका वेट 20 न्यूटन गिवन है। इस ब्लॉक को अगर गिरना होगा तो कैसे गिरेगा? नीचे। अगर फिसल गया तो नीचे गिरेगा, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है। तो अगर ये नीचे नहीं गिर रहा तो फ्रिक्शन कैट करेगी ऊपर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इस ए ने भी कहाँ गिरना है? नीचे। तो इसको कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कैट करेगी ऊपर। तो इसके ऊपर ऊपर, तो इसके ऊपर नीचे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसने इसको ऊपर फ्रिक्शन लगाया तो बदले में इसे नीचे लगाया। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ रही है? स्टार्ट यहाँ से करना है, ये नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर, ये नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर और यहाँ पर नीचे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? डायग्राम क्लियर है? अब वो कह रहा है कि नीचे गिरने नहीं चाहिए दोनों सिस्टम। भाई जब नीचे गिरना ही नहीं चाहिए दोनों सिस्टम, तो पूरा सिस्टम एक इकट्ठा ब्लॉक ले लो, फिर आपने अंदर की फोर्सेस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करो कि ये 20 और 100 यानी कि 120 न्यूटन का एक ही ब्लॉक है, क्योंकि नीचे तो गिरना नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी सेपरेट नहीं होंगे, वहीं पड़े हुए हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी बी ब्लॉक पे, ये बताना है। तो आप बीच के डायग्राम को मत ड्रॉ करें, आप इकट्ठी एक बॉडी लें। और आपको पता है कि अगर ये नीचे नहीं गिरेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम किसके इक्वल होगी? 120 न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो कुछ भी नहीं करना इसमें यार, ऊपर की फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टोटल वेट को बैलेंस करेगी तो बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो आपने दो ब्लॉक्स की जगह एक ब्लॉक ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनमें सेपरेशन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है ए और बी आपस में सेपरेटेड नहीं है, इकट्ठे हैं। फिर इकट्ठे हैं तो भी इकट्ठे ही ले लो ना एक बॉडी का। तो एक बॉडी इकट्ठी है तो 120 न्यूटन नीचे है, तो 120 न्यूटन नीचे गिर रहे और ये फ्रिक्शन इसे बचा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? 120 इज द आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक।